गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं तो लोकेशन मेरे ख्याल से मिला हुआ है, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्ट। तो मेरे ख्याल से देहरादून के आसपास का इलाका है। सरप्राइज करने जा रहे हैं, धप्पा मारने जा रहे हैं, किसी धप्पा देने जा रहे हैं भाई लोग वहाँ पे कैंपिंग पहले ही से कर रहा है। तो एक ही दिन की छुट्टी मिली बीच में, तीन दिन की छुट्टी मिल नहीं पाई क्योंकि अभी जस्ट स्पीति ट्रिप से वापस आए थे। स्वाभाविक सी बात है भाई, जॉब करने वाले लोगों को तो मिलता नहीं है। तो निकल गए, विक्रम जी को बोला कि आ जाइए, चला जाए, धप्पा देने चलते हैं। विक्रम जी भी फ्री थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है रात भर। आप भी जी सीखे विकास भाई, जी दिखाती है। नहीं जी तो बस ऐसे ही आ ही जाता है। तो विक्रम भाई को बोला कि हाँ चलते हैं, धप्पा दे के आया जाए। उन्होंने बोला ठीक है, एक दिन की तो छुट्टी ले ही सकते हैं। उन्होंने भी एक दिन की छुट्टी ली और हम निकल पड़े उत्तराखंड के लिए। अभी फिलहाल हम सिटी के ट्रैफिक को चीरते हुए, हमारा टारगेट तो था दो बजे इनका आने का टारगेट था, ये ढाई तीन बजे निकले हैं। भाई हॉस्पिटल से थोड़ा सा लेट हुआ तो मैं थोड़ा लीनियंट हो गया कि भाई भी लेट है तो मैं थोड़ा आराम से निकल सकता। नहीं नहीं मैं तो लेट नहीं था, मैं तो बिल्कुल ऑन टाइम था। भाई को मैंने जल्दी कर दिया और मैं आधा घंटा लेट निकला, तो मैं डेढ़ बजे के लगभग फ्री हो गया था। डेढ़ बजे फ्री होने के बाद जो है मैं घर पे आ गया, सारे सामान वामान पैक कर लिए कि हाँ ठीक है चलो यार निकलना है। उसके बाद विक्रम जी का वेट कर रहा था, फिर मैं सोचा अब नींद मार लिया जाए, तो मैं जो है कपड़े वपड़े आराम से जो है फ्रेश होकर के फिर मैं लेट गया। जब तीन बज गया ना, फिर मैंने विक्रम जी को याद दिलाया चलेंगे। विक्रम जी तो बोले हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। मैं समझ गया कहाँ निकला था, मैं 2:40 पे निकला था। हाँ तो वही जो भी है, तो आप पहुंचे तीन साढ़े तीन के लगभग। हाँ, पहुंच गए थे 3:27 पे। हाँ साढ़े तीन ट्रैफिक थोड़ा है क्या आपके माल में? नहीं नहीं, कोई जाम वाली गली में जहाँ बस वो ना बफर टाइम लेने के लिए है कि नहीं, वो बफर टाइम हम ले लेते हैं कि हाँ भाई सामान नीचे लाना है, ये करना है। तो ये दिल्ली का ट्रैफिक चीरते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं और अब जो है दिल्ली मेरठ हाईवे पे है, और ट्रैफिक अब दिल्ली मेरठ हाईवे पे बहुत ही कम है, बट ठीक है, मतलब इतना ऑप्टिमम ट्रैफिक है। जो पहुंचने का टाइम है वो रात के 9 बजे का है, पता नहीं यार 9 बजे रात में उस जगह को लोकेट करना और पहुंचना एक टास्क होगा। मनोज भाई से हमने ले तो लिया है लोकेशन, बट पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। वो उनको हो सकता है कि फ़ोन करके या फिर जो है मैसेज करके पूछना पड़ेगा। उन्होंने एक बार मैसेज तो किया था कि अगर दिक्कत हो तो बता देना मैसेज करके। मेरठ जो है यहाँ से 48 किलोमीटर है, तो आगे बढ़ा जाए। ट्रैफिक को चीरते हुए मेरठ बाईपास से आगे निकले हैं और अभी भी मुजफ्फरनगर जो है 58 किलोमीटर है। शाम का टाइमिंग ही ऐसा होता है ना कि जिस समय आपको ट्रैफिक मिलना ही मिलना है और सभी लोग रोड पे होते हैं उस समय, ऑफिस टाइम ख़त्म हो रहा होता है, तो ये तो होना लाजमी ही है। फिलहाल के लिए इस रोड पे हमें 95 किलोमीटर तक स्ट्रेट जाना है और फिर तब राइट टर्न लेना है। मोस्ट प्रोबली वो मुजफ्फरनगर क्रॉस करके होगा, कहीं एक जगह ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा मोड़ा मंच किया जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई ये ट्रिप जो कर रहे हैं ये कैसा ट्रिप है, मतलब ये तो गजब का ही मतलब ट्रिप है ना, ना प्लान ना कुछ, बस ऐसे ही जा करके भाई एक दिन की छुट्टी मिल गई, चलो धप्पा दे के आते हैं। तो इस तरह तो ये ट्रिप बना है और हम निकल गए। विक्रम जी की टाटा हैरियर का परफॉर्मेंस तो यार क्या ही बोला जाए, मतलब ऑसम, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब मैं हाईवे पे चलाने का तो मज़ा ही कुछ और है। सिटी में मैंने पहले भी चला रखा है ये गाड़ी, बट हाईवे की परफॉर्मेंस तो गजब ही है, गजब ही है, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मज़ेदार गाड़ी है, जितनी भी तारीफ करें इसकी सस्पेंशन की, मेरे ख्याल से एक बार पहले भी जब हम मेरे ख्याल से क्या मनाली, यस मनाली से जब हम वापस आ रहे थे, रूफटॉप कैंपिंग का ही बात है ये, जब मनाली से वापस आ रहे थे तब मैंने ड्राइव किया था। हाँ मनोज भाई का, SHO श्रवण कुमार, यस करेक्ट, SHO श्रवण कुमार का जब ड्राइव किया था तो उस समय भी लगा था यार ये क्या चीज़ है भाई, मतलब फर्स्ट टाइम ड्राइव किया तो लगा अरे भाई साहब इसका सस्पेंशन तो मतलब कोई गड्ढे का कुछ फील ही नहीं कराता है भाई। और वो तो 140 PS थी। हाँ ये 170 है, वो 140 PS थी, 170 है, स्पोर्ट्स मोड में तो पागल हो जाती है, बावली हो जाती है, बावली मतलब वो तो यार गोली की तरह भागती है ना फिर स्पोर्ट्स मोड में तो।
मतलब उसका तो क्या ही बोलना, बट हाँ बहुत मजा आया था यार ये, मतलब ड्राइव करने में ना वो मनाली में पहाड़ों पे चलाने में तो गजब ही मजा आया था। थकावट तो नहीं हो रही मनी भाई? नहीं नहीं जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। काउच पे बैठ के गाड़ी चला रहे हो? हाँ अरे बिल्कुल, तो गाड़ी चला जिसको पसंद है ना ड्राइव करना उसके लिए थकावट कहाँ, वो तो मतलब एक तरह का एक्सपीरियंस है। बहुत दिनों बाद ना लंबी गाड़ी चलाऊंगा, मनी भाई ने 60 किलोमीटर बाद ही बोल दिया कि ना भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैंने बहुत देर तक तो कंट्रोल किया, मैंने बोला यार हैरियर चलानी है, हैरियर चलानी, बहुत देर कंट्रोल किया उसके बाद फिर मैंने बोला मैं चलाऊं क्या, आपको फोन आ रहा है बहुत ज्यादा, आप फोन संभालो। मनी भाई को मौका मिल गया, मेरा 2-3 फोन आ गए, मैंने फोन करने लगे, देखो अभी भी फोन बज रहा है, तो ना मनी भाई बोले मैं चलाता हूँ, मैं चलो यार भाई चला ले, भाई आप तो बैठ जाएंगे। तो मैंने पहाड़ों में नहीं बैठ सकता था, हाईवे पे तो बैठ जाऊंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला भाई अब किस तरह लिया जाए, तो कुछ बहाना में खोजा और फिर ले लिया। तो खतौली पहुंच गए और ये KFC है, याद होगा मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे ना, कहाँ जा रहे थे, चोपटा जा रहे थे, यस। तो कभी भी फ्राई चिकन है ये KFC है नहीं, आप देख सकते हो अबंडेंड है ये, इस साइड हाँ ये बंद हो रखा है ना पूरा, तो ये है नहीं KFC, मतलब बंद हो रखा है। तो आगे मेरे ख्याल से आएगा अभी KFC और मेरे ख्याल से सबवे, सभी कुछ कोस्टा वगैरह सब कुछ एक ही साथ है, तो वहाँ पे रुकते हैं और एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, कुछ खाया पिया जाएगा, भूख लग रही है अब थोड़ी, तो मंच किया जाएगा, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पिया जाएगा। तो हमारा डेस्टिनेशन पहुंच गया है, यहाँ पे बीकानेर वाला देन KFC और कोस्टा वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ रुकते हैं एक बार, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी अगर पीने की इच्छा होती है तो कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे और फिर आगे चलेंगे, आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे फिर यहाँ से। अरे भैया आप भी हाथ दिखा रहे हो, लो भैया आपने हाथ दिखाए तो रुक ही जाते हैं, दीजिए लंबा सा चालू दीजिए, गियर हम बदल दिए। अरे क्या बात है, क्या छट्टा से दूसरा कब लगा पता लगा, ऑटोमेटिक बना दिए। फाइनली KFC के सामने पार्क हो चुका है, ये हमारा अड्डा है, यहीं पे हम अक्सर पार्क करते हैं। विक्रम भाई कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद घर से निकल करके एक तो क्लासिक जिंगर हमने ऑर्डर किया और दूसरा आपने क्या ऑर्डर किया फिर? मैं क्लासिक जिंगर बर्गर, बर्गर ऑर्डर किया, मैंने तो मील ऑर्डर किया और आपने बर्गर, तो एक में हो जाएगा काम। हाँ क्या भैया अच्छा बनाओगे ना फिर? तो 6:30 बज रहा है और अंधेरा ऑलमोस्ट होने जा रहा है, तो विक्रम जी की गाड़ी को देखा जाए तो भाई साहब गजब मेंटेन कर रखा है ना इन्होंने, काटो इसको जीप है ना, उनको बार बार जो है ना रिमाइंड आ जा रहा है कि अरे ये क्या। तो विक्रम भाई की गाड़ी जो है ना आप देखो, मतलब इस कदर मेंटेन करके रखा है ना उन्होंने, उनका कहना है कि डेली कितना किलोमीटर चलाए हम इसको अभी तक? 60-70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो हम कितना आ गए अब तक गुड़गांव से, कितना आ गया? अनलॉक कीजिएगा देखो, बिल्कुल देखा जाए कि वो कितना किलोमीटर चल चुके हैं हम। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। अच्छा 150 किलोमीटर चल लिया। 100 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी को धुलने, तो ये तो मानना पड़ेगा विक्रम जी ने इस कदर इसको मेंटेन किया है ना, खुद से साफ करने से रहती। खुद से साफ करने से exactly. आएगा ना, तो इस तरह से साफ नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये चीज जो है मतलब सीखने वाली चीज, बट चला जाए है ना, टाइम बहुत हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा हमें पहुँचते। शुरू करते हैं अब यहाँ से जनरी और नॉन स्टॉप चलते हैं यहाँ से और पहुँचते, बीच में कहीं लगेगा तो सुसु ब्रेक के लिए रुकेंगे और विक्रम भाई को वापस से देंगे चलाने के लिए, है ना उनकी भी इच्छा। तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि मुझे दो भाई चलाने के लिए, जब थक जाओ तब बता देना, बाकी ऐसे बंदा छकता नहीं है वही। अरे हैरियर क्या छोड़िए, मतलब ड्राइव करने वाला इंसान हो ना तो वो कभी छकता ही नहीं। यहाँ भाई हो गया, मैं आज खुश हो गया था, इतने दिनों बाद थोड़ा लंबा चलाऊंगा। हाँ सिटी से सिटी में काफी दिन हो गए। नहीं नहीं आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, कोई नहीं जब लास्ट में आप हो जाएगा ना तब। हरिद्वार में आपका स्वागत है और लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड अगर दिखाई दे रहा हो तो लेफ्ट हैंड साइड में गंगा जी जा रही हैं और सामने से हम चल रहे हैं। आगे हमारा डिस्टेंस अभी भी जो है 49 किलोमीटर है यहाँ से, और रात में क्या ही दिखाएं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कैमरा उठा नहीं रहे। बाकी मज़ेदार था रास्ता यार, मतलब जब से ये रोड बना है ना ड्राइव करने का फ़न ही कुछ और हो गया है। जाम से मुक्ति मिल गई, बिल्कुल जाम से तो मुक्ति मिली। 12 घंटे जाम में खड़े हुए हैं,
एग्जैक्टली मतलब हरिद्वार आने में कम से कम 6-7 घंटे तो लगना ही लगना था। क्या खूबसूरत रास्ता है ना, गजब। मतलब दिन में तो पता नहीं आए होते तो कैसा दिख रहा होता, बट हाँ अभी रात में तो बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। गाड़ी की लाइट से वाइट वाइट कितने पूरा, मतलब बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है। और मतलब और कोई है भी नहीं इस रास्ते पे, और कैसे भी हो मतलब रात के ऑलमोस्ट 8:40 हो रहे हैं, तो थोड़ा लेट तो हम हो गए, बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब कौन सा जाके हमें वहाँ पे अटेंडेंस लगाना है कि हाँ जाना ही है, रिलैक्स करना है। और सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसे बाइक है भाई, हाँ वही मतलब बाइक एक हाथ में कैमरा था इसलिए लो बीम नहीं कर पाया, तो वो बेचारा जो है वो दिखा रहा था कि भाई कम से कम लो बीम तो कर लो उसकी आंखों में लग रही थी। बहुत ही अच्छा रहा ये जर्नी यार, मजा आया ड्राइव करके ना, मतलब नाइट ड्राइव हैरियर का मजा ही आया। प्लेन पे भी चलाया और अब पहाड़ों पे देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। अभी फिलहाल ये रास्ते को एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं।